सो हेलो गाइस, कैसे हो आप। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ डिफरेंस बिटवीन सोनी X82L एंड X75L। और मैं आपको बता दूँ, ये दो मॉडल सोनी के हॉट सेलिंग मॉडल हैं, जो कि सबसे ज़्यादा बिकने वाले मॉडल हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। तो गाइस, दोनों ही टीवी में जो पहला डिफरेंस आता है वो आता है डिज़ाइन का, क्योंकि जो X82L आता है वो आपका बेजललेस टीवी होता है। इसमें जो साइड में बॉर्डर्स होते हैं स्क्रीन के, वो नहीं देखने को मिलते। और वहीं दूसरी साइड आपको X75L टीवी में थोड़े बॉर्डर्स देखने को मिलेंगे। अगला डिफरेंस आपको प्रोसेसर में देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। 82L में आपको X14K HDR प्रोसेसर देखने को मिलता है, और वहीं X75L में आपको HDR ना होके ओनली X14K प्रोसेसर मिलता है, विच इज़ नॉट द बिग डिफरेंस। बिग डिफरेंस तो मैं आपको अब दिखाता हूँ, जो कि डॉल्बी विजन प्लस एटमोस का। 82L में आपको डॉल्बी विजन प्लस एटमोस दोनों सपोर्टेड मिलेंगे, वहीं X75L में आपको ओनली डॉल्बी ऑडियो मिलेगा, विच इज़ नॉट दैट मच गुड। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो डिफरेंस आएगा वो आएगा डिस्प्ले का, कलर क्वालिटी का, एक्यूरेसी का। तो वहाँ पर भी आपको जो X82L आता है उसमें आपको ट्राई ल्यूमिनस प्रो डिस्प्ले मिलती है, और वहीं X75L में आपको 4K एक्स रियलिटी प्रो डिस्प्ले मिलती है, जिसमें आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस दिखेगा। थोड़ा तो नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही दिखेगा कलर्स की एक्यूरेसी में, बट फिर भी इट्स ऑल्सो गुड। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे हम अदर फीचर्स की। अदर्स में यहाँ पे साउंड में अकोस्टिक मल्टी ऑडियो मिल जाता है, एक्स बैलेंस स्पीकर मिल जाते हैं, हैंड फ्री वॉइस असिस्टेंट मिल जाता है, ब्राविया कोर एप्लीकेशन मिल जाता है, और वहीं X75L में आपको ALLM मोड मिल जाता है, ऑटो लो लेटेंसी मोड एंड फीचर्स फॉर PlayStation 5। सो बस यही था इन दोनों टीवी में डिफरेंस। मेन जो डिफरेंस है सारे मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।